प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए युवाओं में कितनी दीवानगी है, इसके वानगी वक्त वक्त पर देखने को मिलती है। सभाओं में लगने वाले मोदी मोदी के नारे हो या फिर बाजार में मोदी के नाम से बिकने वाला ब्रांड, अब 2019 लोकसभा चुनाव से पहले नमो अगेन कैंपेन भी शुरू हो चुका है, जिसके लिए युवा अलग अलग तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं। मार्केट में जहां नमो अगेन नाम की कुर्ती धूम मचाई हुई है, तो वहीं उत्तर प्रदेश और गुजरात के व्यापारियों ने अपने बिल पर नमो अगेन प्रिंट करवाया है। इतना ही नहीं, हाल के दिनों में हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में भी विधायक नमो अगेन की हुड कैप वाली टी शर्ट पहनकर पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं में इतनी दीवानगी है कि एक दूल्हे ने अपने हाथों में रची हुई मेहंदी में ही मोदी अगेन लिखवा लिया, साथ ही साथ उसने मेहंदी में एक कमल के फूल का निशान भी बनाया था। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जब इसकी भनक लगी तो वो रुक नहीं पाए और इंदौर के इस दूल्हे को उन्होंने रास्ते में बारात रोक कर खुद आशीर्वाद दिया। दरअसल शिवराज सिंह चौहान एक निजी कार्यक्रम में इंदौर पहुंचे थे, जहां उन्हें इस बात की जानकारी लगी कि एक दूल्हे ने अपने हाथ पर मेहंदी रचाई है जिसमें उन्होंने मोदी अगेन लिखा है। तो शिवराज सिंह चौहान रुक नहीं पाए और उन्होंने रास्ते से गुजरती उस बारात को रोकने का इशारा किया। जब बारात रुकी तो शिवराज सिंह चौहान ने दूल्हे को फूलमाला पहनाई और उसके लिए उसे नए जीवन में खुशियों के लिए बधाई भी दी। आपको बता दें कि इस दूल्हे का नाम अनुभव वर्मा बताया जा रहा है। अनुभव की माने तो वो 2019 में भी केंद्र की सत्ता में दोबारा बीजेपी को देखना चाहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इसलिए उन्होंने खास तौर पर अपने हाथों में जीवन संगिनी का नहीं बल्कि नमो अगेन नाम लिखवाया है। अनुभव वर्मा की ये पहल आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हाँ, अगर वीके न्यूज आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।